आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। आज हम इस वीडियो में कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल के बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। दी गई टर्म्स को अक्सर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है। क्लास लिमिट, एक क्लास या ग्रुप को डिफाइन करने के लिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को क्लास लिमिट कहते हैं। सबसे छोटी वैल्यू को लोअर क्लास लिमिट और सबसे बड़ी वैल्यू को अपर क्लास लिमिट कहते हैं। इससे पहले वीडियो की एग्जाम्पल 2 में हमने देखा था कि इसमें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 लोअर क्लास लिमिट्स हैं, जबकि 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 अपर क्लास लिमिट्स हैं। क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल पर बेस करती है, जो कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करवाने के लिए अप्रोक्सीमेशन का रूल इस्तेमाल करती है। आइए अब हम वेट का टेबल बना लेते हैं। टेबल के पहले कॉलम में हम एक्चुअल वेट और रिकॉर्ड को किलोग्राम में लिखेंगे और दूसरे कॉलम में हम अप्रोक्सीमेट वेट बनाकर लिखेंगे। तो अब हम पहले कॉलम में 67.6, 67.2 और 67.5 लिख लेते हैं। अब हम इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मालूम करते हैं। अब यहाँ पर 67.6 68 के करीब है, क्योंकि पॉइंट के बाद आने वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, इसलिए हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 68 लिखेंगे। और 67.2 में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है, इसलिए हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 67 ही लिखेंगे। इसी तरह अब नेक्स्ट वैल्यू 67.5 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 के इक्वल है, तो इस सूरत में भी ये 68 के करीब है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू 68 आएगी। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल 2 को ही रेफर करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसमें रियल लोअर क्लास लिमिट 10 की 9.5 है और इसी तरह 9.5 और 10.49 के दरमियान की तमाम वैल्यूज को 10 ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से 19 की अपर क्लास लिमिट 19.5 है और इसी तरह 18.5 और 19.5 के दरमियान की तमाम वैल्यूज को 19 ही में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक क्लास की रियल क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। मिड पॉइंट आर क्लास मार्क्स, दी गई क्लास की एवरेज हासिल करने के लिए अपर और लोअर क्लास लिमिट को जमा करके 2 पर डिवाइड किया जाता है। इसको इस क्लास का मिड पॉइंट या क्लास मार्क कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक अपर क्लास लिमिट या बाउंड्री तक फ्रीक्वेंसी का टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इससे पहले बताया गया सारा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 2 के रेफरेंस के साथ बयान किया गया है। अब हम एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें कहा गया है क्यूमुलेट क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर डेटा ऑफ एग्जाम्पल 2। अब हम इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन को एक टेबल की मदद से समझते हैं। टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम क्लास लिमिट्स लेंगे। याद रहे कि इस एग्जाम्पल में हम डेटा एग्जाम्पल 2 का यूज कर रहे हैं, इसलिए इस डेटा के मुताबिक हम इसकी क्लास लिमिट्स बनाते हैं। हर क्लास लिमिट का इंटरवल 10 होगा, इसलिए क्लास लिमिट के कॉलम की वैल्यूज 0 टू 9, 10 टू 19, 20 टू 29, 30 टू 39, 40 टू 49, 50 टू 59 और 60 टू 69 होंगी। अब हम सेकंड कॉलम क्लास बाउंड्रीज का बनाएंगे। क्लास बाउंड्री की वैल्यू क्लास लिमिट की स्टार्टिंग वैल्यू से 0.5 माइनस करने और एंडिंग वैल्यू से 0.5 जमा करने से हासिल होगी। जैसा कि अब क्लास लिमिट की वैल्यू 0 टू 9 है, तो हम 0 से 0.5 माइनस करेंगे और 9 से 0.5 को जमा करेंगे, जिससे हमें क्लास बाउंड्री -0.5 टू 9.5 हासिल होगी। अब क्लास बाउंड्री की सेकंड वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्लास लिमिट की सेकंड वैल्यू के स्टार्ट से 0.5 को माइनस करेंगे और एंड में 0.5 ऐड करेंगे, तो इस तरह से हमें क्लास बाउंड्री की सेकंड वैल्यू 9.5 टू 19.5 हासिल होगी। और इसी तरह से हम क्लास लिमिट्स की तमाम वैल्यूज के स्टार्ट से
0.5 माइनस करके और एंड में 0.5 ऐड करके क्लास बाउंड्रीज की तमाम वैल्यूज को मालूम करेंगे, जैसा कि 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5 और 59.5 टू 69.5 क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज होंगी। अब हम नेक्स्ट कॉलम मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स का बनाएंगे। मिड पॉइंट को क्लास लिमिट की स्टार्ट और एंड वैल्यू को ऐड करके 2 पर डिवाइड करने से हासिल किया जाता है। जैसा कि क्लास लिमिट की वैल्यू 0 टू 9 है, तो 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 और 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 होगा। तो 4.5 हमारे पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क होगा। इसी तरह से क्लास लिमिट की सेकेंड वैल्यू 10 टू 19 है, तो 10 प्लस 19 इज इक्वल टू 29 होगा और 29 ओवर 2 इज इक्वल टू 14.5 होगा। तो 14.5 हमारे पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट होगा। इसी तरह से 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और 64.5 हासिल होंगे। अब हम नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। एक क्लास लिमिट में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आती हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी होती हैं। अब यहाँ क्लास लिमिट 0 टू 9 में 2 ऑब्जर्वेशन आई हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। इसी तरह से बाकी क्लास लिमिट्स में आने वाली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनकी फ्रीक्वेंसी होंगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हमने पहले वीडियो में फ्रीक्वेंसी मालूम की थी। अब हम नेक्स्ट कॉलम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को यूज करेंगे। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू वही होगी जो फ्रीक्वेंसी की है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू 2 है, तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू भी 2 ही होगी और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बाकी वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की इससे पिछली वाली वैल्यू को ऐड करने से हासिल होगी। जैसा कि फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू 10 है और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की पिछली वैल्यू 2 है, तो हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। इस तरह हमारे पास क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू 12 हासिल होगी। अब हम इस तरह से क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज को मालूम करेंगे, जैसा कि 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17, फिर 26, 32, 39 और 40 हासिल होंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन।